now and press the bell icon. Never miss an update. Guys, welcome to my YouTube channel Gate and ES Academy. I am Rahim Khan. हमने पहले जो पढ़ा है ज्योमेट्री डिज़ाइन कंप्लीट किया. आज हम उसके करेंगे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवे. ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आर रिक्वायर्ड, बी क्रॉस सेक्शन आर रिक्वायर्ड, सी ए एंड बी आर रिक्वायर्ड, डी नन ऑफ द अबव. सो सी इज द आंसर, ए एंड बी. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आर रिक्वायर्ड, क्रॉस सेक्शन आर रिक्वायर्ड, बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवे. सेकेंड, द कैम्बर ऑफ हिली रोड इन दिस केस ऑफ बिटुमिन सरफेस इज अडोप्टेड. जब हमने कैम्बर पढ़ा था वहाँ पर एक टेबल डिस्कस की थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेरेन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैम्बर. इसमें पूछा गया है बिटुमिन सरफेस के लिए. सो 2.5 हिली रोड और बिटुमिन सरफेस, तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर, इज द बी आंसर. थर्ड इज द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ ए कर्व फॉर ए रूलिंग डिजाइन स्पीड वी, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एफ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड सुपर एलिवेशन ई इज गिवन बाय. जब हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था ज्योमेट्री डिजाइन में, तो हमने वहाँ पे सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला डिस्कशन किया था, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2gr. दिस इज द फॉर्मूला. अब इसमें पूछा गया है ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2gr. अब इसमें पूछा गया है रेडियस. डिजाइन स्पीड v गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ गिवन है, एंड जी गिवन है, सुपर एलिवेशन ई गिवन है. तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g e प्लस एफ इज द आंसर, एंड ये ऑप्शन है सी, वी स्क्वायर अपॉन ई प्लस एफ इंटू जी इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ वन इज कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर कंट्रेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफेक्टिव रेनफॉल, हैविंग प्रॉपर साइड डिस्टेंस, अवॉइडिंग ओवरटर्निंग. कैम्बर इज फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज इज द बी इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ इज इन द प्लेन द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. जब हमने ट्रांजिशन कर्व पढ़ा था उसके लिए दो फॉर्मूले याद किए थे, एक प्लेन और रोलिंग के लिए 2.7 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड स्टीफ एंड हिली के लिए वी स्क्वायर अपॉन आर. ये दो फॉर्मेट डिस्कस किए थे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में. अब इसमें पूछा गया प्लेन के लिए, तो आंसर इज द 2.7 इंटू वी एज अ करेक्ट आंसर इज द सी. सेकेंड इज शिफ्ट. The shift of the transition curve of the radius 300 meter, length is 48 meter. Formula of shift is equal to LS square upon 24 R. LS is the 48 given and 24 R is the 300. Solve it and answer. Answer is the 0.32 is the answer of A. So, A option. Next, the absolute minimum radius of the curve for safe operation for speed. Speed is the given. Absolute minimum radius. So, minimum radius. Absolute minimum radius. So, R equal to. हमने formula पढ़ा था. E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर. ई और एफ मिनिमम रेडियस है, तो ई और एफ मैक्सिमम, मैक्सिमम ई 7% और एफ मैक्सिमम 0.15, एंड वी इज द गिवन. एंड सोल्व ऑल द फॉर्मूला, आंसर इज
433 meter. अब इसमें 433 है नहीं, तो जिसको सबसे क्लोज इसका आंसर है 440 इज द आंसर ऑफ बी. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट, कैलकुलेशन द डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन ए हाईवे इन प्लेन टेरेन इफ डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे इज 80 km/h एंड रेडियस ऑफ कर्व 400 देन डिजाइन इज एलिवेशन ई. कैलकुलेट डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ए हाईवे. तो कैलकुलेट डिजाइन रेट, हमने जब पढ़ा था डिजाइन ऑफ द सुपर एलिवेशन, तो ई इक्वल टू जहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन 225, जहाँ पे 75% ऑफ डिजाइन स्पीड कंसिडर की थी और फ्रिक्शन कंसिडर किया था 0 फॉर डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन. देन ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर डिजाइन स्पीड और डिजाइन सो पहलू और सुपर एलिवेशन में हमने कंसिडर किया था दिस फॉर्मूला, जहाँ पे एफ जीरो माना था और वी 75% कंसिडर किया था. देन वी इक्वल इन गिवन 80 एंड आर गिवन 400 कैन सोल्व इक्वल टू 7% ई इक्वल टू 0.0711% ई की वैल्यू आ गई 0.0711% जो कि 7% से ज़्यादा है. तो एज पर डिजाइन चेक द फ्रिक्शन एफ, एफ चेक करेंगे तो एफ का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस ई. अब एफ चेक करेंगे, इसमें सब वैल्यू पुट करने के बाद एफ की वैल्यू आएगी 0.05 जो कि लेस देन है 0.15. तो हम इसके मतलब है कि हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम 7% प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आंसर इज ए 7%. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन दैट इज फिक्स्ड बाय रोड इन इंडियन रोड कांग्रेस IRC फॉर द रोड इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एंड स्नो बाउंड एरियाज टेकिंग मिक्स ट्रैफिक इन टू कंसिडरेशन. जब हमने सुपर एलिवेशन की टेबल पढ़ी थी वहाँ पे, उसमें IRC द्वारा एक टेबल गिवन थी जिसमें प्लेन एंड रोलिंग के लिए IRC ने मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया था 7%. इज द आंसर इज सी 7%. सी. नेक्स्ट, ग्रेडियंट ऑन ए हाईवे इज 1/20, रेडियस ऑफ ए कर्व 200 meter, आफ्टर ग्रेड कंपनसेशन द ग्रेड इज ग्रेड टू बी प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन 4%. कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन, हमने उस टाइम ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू 30+R डिवाइड बाई आर. ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू 30+R डिवाइड बाई आर. दिस इज द ग्रेड कंपनसेशन फॉर्मूला, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड पुट द ऑल वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. वैल्यू इज जो प्राप्त मिलेगी वैल्यू है 1.15 और इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 75/R. अब 75/R निकालेंगे तो 0.38 से कम होना चाहिए जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 0.38. तो कंपनसेशन ग्रेड हो जाएगी अपनी, कंपनसेशन ग्रेड 1/20 इज गिवन यानी 5% इज गिवन माइनस 0.38, द वैल्यू इज 4.62 इज द सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ए वैली कर्व फॉर डिसेंडिंग ग्रेडियंट 1/40 फॉलोड बाय असेंडिंग ग्रेडियंट 1/50. द लेंथ ऑफ वैली कर्व रिक्वायर्ड फॉर ए डिजाइन स्पीड 80 फॉर ए कंफर्ट कंडीशन. कंफर्ट कंडीशन के लिए लेंथ ऑफ वैली कर्व का फॉर्मूला था 0.38 एन वी क्यूब की पावर 1/2 इज द गिवन फॉर्मूला. तो n की वैल्यू गिवन है, इसमें फर्स्ट है 1/40 माइनस 1/50 इज द आंसर इज n इज 0.045 एंड v इज गिवन 80. तो पुट द वैल्यू ऑफ
फॉर्मूला एल इक्वल टू 0.38 वी एन वी क्यूब की पावर हाफ, देन आंसर इज 58 मीटर इज द आंसर ऑफ सी 58 मीटर। नेक्स्ट इज ए कार इज मूविंग एट ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रोड हैविंग 2% अपवर्ड ग्रेडियंट इन द असेंडिंग ग्रेडियंट। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक व्हेन ही सीज एन ऑब्स्ट्रक्शन इफ हिज रिएक्शन टाइम इज 1.5 सेकेंड, अज्यूमिंग दैट द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पेवमेंट एंड टायर इज 0.15, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रावर्स्ड बिफोर द कार फाइनली स्टॉप। इट मीन्स ड्राइवर है, वो ऑब्स्ट्रक्शन देखता है, उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है, जब कार रुक जाती है तो कितनी डिस्टेंस कार ने ट्रेवल की फाइंड करनी है। इट मीन्स इज द SSD, और SSD का फॉर्मूला हम वी आर नोट 0.278 वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 अपॉन एफ प्लस माइनस एस। अब इसमें गिवन है 2% अपवर्ड, तो प्लस एस, एस इज 2%, F इज इक्वल टू 0.15, V है 72 एंड रिएक्शन टाइम इज 1.5 सेकेंड। पुट ऑल द वैल्यू इन फॉर्मूला एंड कैलकुलेट इज आंसर इज द 150 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द आंसर 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रोड इज बीइंग डिजाइन्ड फॉर ए स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व विद अ सुपरएलिवेशन 8%, इफ द कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन इज 0.1, द मिनिमम रेडियस ऑफ ए कर्व इज द मिनिमम रेडियस आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ। ऑल वैल्यू आज गिवन, ई इज गिवन, ई वी गिवन, ई गिवन, एफ गिवन, पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द आंसर, आंसर इज 528.5। इट मीन्स डी इज द आंसर। थैंक यू गाइज, ये थे ज्योमेट्री डिजाइन के कुछ क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किए। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट दैट, और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज। Thank you guys.